हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। देखिए दोस्तों, आज मेरा फार्म, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बहुत काम था थोड़ा। ये देखिए, इसमें हमारा एक फीमेल है जो कि अभी बस प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है। ये देखिए प्योर T&D। ये देखिए, ये हमारा एक है और इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि प्योर T&D नहीं है। और इसमें देखिए, छोटा छोटा बच्चा दे चुका है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे काफ़ी अभी तंदुरुस्त है, खेल रहे हैं सब मस्त में। ये उनकी माँ, ये देखिए 7 बच्चे हैं इनके टोटल, 7 इधर अभी खेल रहे हैं। आ आ आ च, 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 च। ये देखिए, आ आ आ ये देखिए, सब के सब खेल रहे हैं अभी। और ये रूम अभी खाली है। ये रूम में 2 बच्चे हैं लेकिन ये दोनों बीमार हैं, जिसके कारण से इनको अलग रखा गया है। ये दोनों बच्चे बीमार हैं, और इसमें देखिए, इसमें 5 बच्चे हैं जिनको अभी दूध से हटाया गया है। ये दूध से हट चुके हैं और आगे दिखाता हूँ। इधर का हमारा कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि लोवेस्ट प्राइस में कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए इस रूम के बच्चे, ये देखिए, ये सारे के सारे अभी बुक हो चुका है सारा बच्चा। देखिए, ये देखिए फीमेल, इसको भूख बहुत ज़्यादा लग गया है। किसी को भी आते हुए देखती बस ये दीवार पे चढ़ जाती है। इनके ये जो फीमेल है, इसके 3 बच्चे भी बच्चे हैं। ये देखिए, ये 3 बच्चे हैं, इनको अभी दूध कंप्लीट होने वाला है, इसको अब दूध से हटाएंगे। ये देखिए अभी दूध पीता हुआ बच्चा कितना तंदुरुस्त है। इसीलिए मैं दोस्तों सबको बताता हूँ कि दूध पीता हुआ बच्चा नहीं लेना है। अगर आप दूध पीता हुआ बच्चा लेते हैं तो वो अंदरूनी बढ़िया से विकसित नहीं हुआ होता है और उनको आगे ग्रोथ करने में बहुत दिक्कत होता है। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं उनके। ये उनकी फीमेल है, माँ है, अभी भी दूध, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके जो फीमेल्स हैं, एक T&D के कितने बड़े फीमेल्स होते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे सुंदर सुंदर, अभी जैसा मैंने बताया कि इनका दूध से हटाने का जो टाइम होता है वो लगभग 2 महीने का होता है। उससे पहले अगर आपने हटा दिया तो इनको, इनका पूरा आंतरिक विकास नहीं हो पाएगा और बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे और काफ़ी टाइम लगेगा उनको बड़ा होने में। और अभी कुछ मेरा इधर स्टॉक है, ये देखिए प्योर T&D। ये जितने भी बच्चे हैं अभी मेरे पास, सब के सब बुक है और कुछ बच्चे हैं जो बुक अभी नहीं है। जैसा कि मैं ट्रेनिंग में सबको बताता हूँ कि कभी भी खड़ा मक्का वगैरह नहीं देना है, पर मैं इनको दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा वीडियो बना करके इन लोगों को एक साथ में करना था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, खड़ा मक्का देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर सुंदर बच्चा है सब। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, सब T&D है। ये देखिए अभी इनमें निपल लगाया हूँ मैं, वाटर निपल, जो कि एकदम पूरा कम कॉस्ट में। ये फार्म जो है, ये मैं फार्म का ओवरले दिखाता हूँ आपको। अभी इधर मेरा और फार्म बन ही रहा है। ये देखिए अभी गेट लगना बाकी है, अभी इसमें गेट लगेगा, कल गेट लग जाएगा इसमें।
गेट लगने के बाद फिर इधर भी पूरा फार्म होगा। ये देखिए हमारा फार्म का ओवरव्यू, जो कि एकदम पूरा सस्ते में बनाया गया है, पूरा सस्ते में। और जो इधर का फार्म मैं बता रहा था, ये देखिए कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है ये कंस्ट्रक्शन में, पर इधर का जो कंस्ट्रक्शन है वो एकदम बिल्कुल भी कम खर्च में हुआ है। नीचे बांस का फल्ली और लकड़ी वगैरह दे करके पूरा कंप्लीट किया गया है। जैसा कि अभी आप इधर देख पा रहे हैं कि इधर का कॉस्ट और कम पड़ने वाला है। इधर जो है वो खाम्भी डाल करके लकड़ी का ऊपर दे करके उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए अभी बांस फाड़ के रखा हुआ है। ये जो बिठाया गया है ये गट्टू है, जिसको बोलते हैं इंटरलॉक ब्रिक। इससे फ़ायदा होता है कि जानवर जो है वो स्लिप नहीं करता है और साफ़ सफाई में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी ये अनकम्प्लीटेड है, कम्प्लीट होने के बाद भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। अभी ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक है अभी फ़िलहाल का जो स्टॉक है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा कि कैबिन्स में ये देखिए, ये हमारे प्योर T&D। अभी ये तो बुक हो गया है, ये जाने वाला है बाहर कुछ दिनों में, अगस्त में। एक हमारे दोस्त हैं फौजी भाई, जिन्होंने बुक करवाया है बिरहू से। आह 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 आह, देखिए सारे जानवर जो हैं वो सब चुस्त दुरुस्त है। अभी इनका जो वज़न होगा वो लगभग 18 से 20 किलो के बीच में होगा, 20-25 इसी टाइप में है सारे के सारे जानवर। इनको सबको एक रूम में डाला हूँ, 8 एक रूम में है। उधर के रूम में जो हम लोगों ने देखा था, उधर के रूम में 12 है और इसमें 8 है। और इसमें जो है इसमें भी हमारा 7-7 है। ये देखिए फैरमिंग केज का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। देखिए हमारा फैरमिंग केज, ये फैरमिंग केज है जिसमें कि बच्चा फीमेल को डिलीवरी देते हैं और उससे मॉर्टिलिटी जो होता है वो कम होता है। ये देखिए ये हमारा स्टॉक है। इन्हीं भाई को अगर बुक करवाना हो तो आप बुक करवा सकते हैं या तो फिर आप ख़रीद सकते हैं। डायरेक्ट में थोड़ा सा परेशानी होगा क्योंकि डायरेक्ट में हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाता है, आपको बुक करवाना पड़ेगा पहले से, क्योंकि सब लोग अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमारे पास जैसे ही फीमेल डिलीवरी होती है उसी समय बुक हो जाता है, तो मैं नहीं दे पाता हूँ क्लियर। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा गली है, ये पाइप धोने के लिए। और इधर मैंने थोड़ा बहुत गार्डनिंग करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत गार्डनिंग करके रखा हूँ, उससे थोड़ा फार्म का सेंट कम आता है। ये फीमेल जो है ये हमारा बच्चा देने वाली है। किसी दोस्त को बुक करवाना हो इनके बच्चे तो बुक करवा सकते हैं। कम से कम इसका 10+ ही बच्चा होगा। और अभी हम आप लोग को जैसा कि दिखाए थे कि यहाँ पे एक जो फीमेल है जो बच्चा दी है, ये देखिए इनके बच्चे जो है सब बैठे हुए हैं। इसने टोटल अभी 7 बच्चा दिया है, 7ों के 7ों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनकी माँ है, ये उनके खाना अभी दिया हूँ, खाना वो खा ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और फीमेल को कैसे रखना है, छोटे बच्चे को कैसे रखना है, फार्म कैसे बनाना है, वाटर निप्पल का क्या क्या फ़ायदा होता है, और कम कंस्ट्रक्शन में कितना ज़्यादा कम से कम में हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर पाएँ, ये सारा आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। और जो ट्रेनिंग नहीं किए हुए हैं, अगर उनको लगता है कि आप हम ट्रेनिंग करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे चैनल पे नंबर है, आप संपर्क कीजिए हमसे। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे संपर्क कीजिए, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।